जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने दिन दहाड़े किसान को जमकर पीटा, इलाज के दौरान मौत। जनपद लखीमपुर खीरी के मैंगलगंज मोहल्ला यादव निवासी रमेश चंद को बाईपास पर टहलते समय आधा दर्जन हमलावरों ने घेर कर लाठी डंडा भाला आदि से बुरी तरह पीटा, गंभीर हालत में घायल करके मौके से फरार हो गए। घायल रमेश चंद को पहले तो सीएचसी पसगवा ले जाया गया, फिर जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान रमेश चंद की मौत हो गई। घटना के पीछे 10-12 वर्ष पुराना जमीनी विवाद की रंजिश को बताया जा रहा है। गंभीर घायल रमेश चंद ने अपने मृत्यु पूर्व दिए गए बयान में अपने ऊपर हमला करने वाले सभी हमलावरों के नाम स्पष्ट रूप से पुलिस व मीडिया को भी बताए हैं। क्या मामला है आपका? हमारा आदमी मार डाले, हमारे खींच के रफ्तार के मार डाले, लाठी मतलब करे छेद करे। हमारे एक लड़का पर जो खतरा है, एक आदमी मार डाले, वो आए हम काम के। ये भाई यहां धमकी दे। कौन सा थाना? हमारा बड़ो लड़का फागुन मैया होली मैया मार डाले। थाना कौन सा है? थाना मैगलगंज। हमारा लड़का वो धमकी देने की गलो बान पकड़ी, तब वो लड़का जो राय कर मेरे को अपने आप फांसी लगाएगी। फांसी लगाएगी मेरे को? पहले मारा था, बाद में फांसी लगाई थी। हाँ, पहले गलो बान पकड़ी, वो डरे न घर से ना साहब निकल रहा है। एक घटना बता, इनका काम ही है। क्या है मामला भैया आपका जो यहाँ है? भाई हमारे पिताजी को मार दिया गया है, पुरानी रंजिश थी खेत बात की, अब कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता था, मगर वही पुरानी रंजिश निकाली गई है। परम भवन से खींच गए बाई ओवर ब्रिज है बाईपास वाला, उसके पार में ले जाकर लाठी डंडों से और सिर में बल्लम छेदा गया है, जिससे वो मर गए हैं। किसने मारा है? यादव लोगों ने मारा है। क्या नाम? शाम बहादुर के लड़के अभी। हाँ बताओ। गुड्डू, कैलाश, कल्लू, अजय, मोटे और उनके दो लड़के, मोटे का एक लड़का, एक कहीं 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 तहरीर दी है। हाँ, तहरीर मैगलगंज में दी है थाने। क्या बताया वहाँ पर? बताया कुछ नहीं, हमने कहा इसकी कॉपी दे दो, हमें कॉपी भी नहीं दी गई है। लगता है पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने अभी हमें लगता है कोई कार्रवाई नहीं की।